जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये काम है, आज एक नया काम मिला है और तमाम जिम्मेदारियों के साथ मिला है, जिसमें मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। हाँ, ऑफकोर्स राम भाई, एक्चुअली इस फिल्म से नहीं, राम भाई की और हमारी जोड़ी जो है, हम लोग गौरी शंकर से साथ में काम कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ गाने वगैरह राम भाई ने किए थे, लेकिन हम लोग गौरी शंकर से 35 में आए और अभी एक फिल्म इनकी नेट लव आ रही है और अभी ये फ्रॉड नगर। कमाल के एक्टर हैं, मैं तो इनसे काफ़ी इम्प्रेस रहता हूँ इनके साथ काम करके। गौरी शंकर में भी मुझे बहुत मज़ा आया और नेट लव में मैं नहीं रह पाया, एक्चुअली कुछ डेट की प्रॉब्लम थी मेरी। और उसके बाद से अभी इस वाले फिल्म में फ्रॉड नगर में, जो कि बड़े भैया प्रीतम यादव जी बना रहे हैं, तो उस फिल्म में मैं और ये साथ में आ रहे हैं। और भी लोग हैं, मनोज टाइगर भैया हैं, अयाज खान जी हैं और तमाम ऐसी, मधु सिंह जी हैं जो इनके अपोजिट आ रही हैं और संतोष पहलवान जी हैं, तो काफ़ी मज़े हुए लोगों का साथ मिला, जो कि थिएटर से भी लोग बिलोंग करते हैं। और राम भाई इंडियन आर्मी से हैं और बड़ा कम समय मिलता है इनको, तो भी ये जो है कि अपना ये सारा कुछ संगीत को समर्पित करते हैं, देश के साथ साथ संगीत के भी प्रति इनका समर्पण बहुत अच्छा है। किरदार तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार हैं, जो कि एक जीजा साले के इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ठगना, ठग में कौन सा बड़ा है। तो जैसे कि बनारस में जब मैं भी नया नया आया था, तो कि ये होता था कि बनारस के ठग जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बनारस के ठग, मुगल सराय का चाई और कैसे कैसे वो पुरानी कहावत है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ही एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जो एक ओरिजिनल है। हालांकि बनारस हमारा बहुत मीठा है, बहुत पावन है, बहुत ही साहित्यिक नगरी है, बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, बाबा भोलेनाथ से जुड़ी हुई नगरी है, कहते लोग कि काशी नगरी बाबा के त्रिशूल पर है। तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर खट्टी मीठी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि मुझे जितना मज़ा आया स्क्रिप्ट सुन के, उतना मज़ा दर्शकों को फिल्म देखने के बाद भी आने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये फिल्म काफ़ी पारिवारिक और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें है। इसमें इस फिल्म में काफ़ी लोगों को इन्जॉय भी मिलेगा और काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा और ना ही इसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं है, साफ सुथरा चीज़ है। जो भोजपुरी के लोग एक गलत निगाह से देखते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, भोजपुरी एक अच्छी चीज़ है और भोजपुरी मिट्टी से जुड़ी हुई जो चीज़ जो लोग हैं गांव के, वो चीज़ इसमें सब कुछ मिलेगा, जो हमारे समाज, जो हमारे कल्चर में जो चीज़ें गांव में यदि हो रहे हैं, वो चीज़ें इस फिल्म में देखने को आपको मिलेगा। क्या किरदार निभा रहे हैं सर? इसमें मैं आप लोगों की कृपा से मेन करेक्टर हूँ, मेन हीरो हूँ मैं उसमें, इस फिल्म में। आप आर्मी से हैं तो फिल्मों की तरफ और म्यूजिक की तरफ कैसे रुझान? सर ये मेरी रुझान काफ़ी बचपन से था और मैं जी इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं एथलेटिक्स गेम से और काफ़ी मेरे 8 गोल्ड नेशनल मेडल भी है। तो मैं काफ़ी टाइम से फौज में, तो बस गेम की वजह से मैं फौज में हो गया, बट मेरा रुझाव हमेशा फिल्म के तरीके था और काफ़ी एल्बम वगैरह करता था पहले से ही, तो इसलिए मुझे काफ़ी रुचि रहती है कि मैं एक अच्छा हीरो बनूं और लोगों को अच्छी ऐसी मैसेज दूं। तो कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं यहाँ? टाइम मैनेज कर पाते हैं सर, जैसे छुट्टी मिलता है वैसे तुरंत हम आ जाते हैं इधर और पूरे टाइम जितना भी हो सकता है मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री को देता हूँ, फिर उसके बाद जैसे छुट्टी हमारी ख़त्म होती है फिर हम अपने ड्यूटी पर। हम फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे जो ज्ञान भैया हैं और फिर आए इनके माध्यम से, इन्होंने हमें काफ़ी उत्साहित किया, फिर हमारे आशीष भैया हैं जो मुझे एनी टाइम हर वक्त किसी भी छाया में किसी भी चीज़ में खड़े रहते हैं, और हमारे गुरु जी हैं प्रीतम जी, वो सर तो हमें पूरा तरीके से बताया कि राम सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ है, जो चीज़ तुमको चाहिए वो चीज़ मैं दे रहा हूँ और तुम बहुत ही अच्छा करोगे, क्योंकि उन्होंने हमारा एक्टिंग देखा इससे पहले जो नेट लव थी तो उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस उन्होंने देखा और बोले बहुत ही अच्छा आप करेंगे, आप इसको करिए। एक्टिंग लाओ क्या, सिंगिंग में भी आप सॉन्ग रखते हैं, गाना भी गाते हैं? जी मैं थोड़ा बहुत गाना भी गाता हूँ बट एक्टिंग ही मेरा मेन पर्पस है और जी मैं एक खिलाड़ी होने के नाते एक्टर में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, हर एक चीज़ मुझे
कोई भी ऐसा काम वर्क नहीं है जो नहीं आता है। सर दर्शकों से यही कहना चाहूँगा मैं कि फिल्म लाइन में अगर आ रहे हैं तो एक संगत और कड़ा विचार मेहनत करने के लिए आप आइए, और यदि एक्टर हैं तो देखिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं, बट हमारे बड़े भैया बहुत ही मेरा साथ देते हैं और हमारे गुरुजी काफ़ी मुझे उत्साहित करते हैं। काफ़ी मैं हौज के होने के कारण थोड़ी मेरी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी वैसी है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही कंट्रोल करके बताते हैं कि देखिए आप एक अच्छे एक्टर हैं और अच्छा करेंगे, तो इसी हिसाब से फिल्म लाइन एक अलग दुनिया है, फौज एक अलग दुनिया है। बहुत ही प्यारा मुहूर्त हुआ और तमाम जितने भी मीडियागण हैं सबको धन्यवाद, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए फिल्में रोज़ बनती हैं, हम अपनी फिल्म को कभी ख़राब नहीं कह सकते, कभी अश्लील नहीं कह सकते, कभी नॉन थाटेबल नहीं कह सकते, बट ये जो प्रयास है ये उस व्यक्ति का प्रयास है जिनका नाम है आरिश यादव प्रीतम जी, जिन्होंने एक दशक में एक सदी में लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन किया, इतना ज़्यादा एंटरटेन किया कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं उस समय इन लोगों से मिल नहीं पाता था, मेरा नाम बहुत छोटा था उस समय इंडस्ट्री में, और आज मैं इन लोगों के डायरेक्शन में इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, कभी वो राइटर होते हैं तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर होता हूँ, कभी वो डायरेक्टर हैं तो मैं उनका साथ एक्टर हूँ, ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरा सौभाग्य है। और साथ में जो ज्ञान यादव जी हैं बड़े भैया डीओपी जी हमारे, वो भी एक चीज़ कहते हैं कि कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, काफ़ी दिलदार और महान। तो दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा छोटा सा प्रयास है इसको कोई बहुत बड़ा ना समझे, लेकिन जो ये छोटा सा प्रयास है इसको प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उनके चहेते कलाकार भी रहें जैसे मनोज टाइगर जी, अयाज खान जी, संतोष पहलवान जी, साहेबलाल धारी ठल्लू जी, जो कि मतलब ये लोग मजे हुए कलाकार हैं, इन लोग के साथ काम करने का एक अनुभव भी मिलेगा हम लोगों को। और ऑब्वियसली राम भाई हैं, इनकी मैं कहूँगा उससे अच्छा है कि दर्शक इनको स्क्रीन पर देखे और तब वो डिसाइड करे सिनेमा कैसा है कैसा नहीं। थैंक यू।